व्यू देखो, वहाँ पे पूरा बर्फ से भरा हुआ पहाड़, क्या ही तगड़े व्यू आ रहे हैं। और बस ऊपर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, बहुत ही हाइट पे आ चुके हैं। हेड देखो, ऐसा रास्ते देखो। दूर से आया हूँ और 2500 रुपये चलाना है, लाइसेंस 3 महीने के लिए टूट जाएगा, सस्पेंशन के लिए। माफ़ कर दीजिए सर, मैं करूँगा और होगा। ये देखो मॉर्निंग का व्यू, क्या ही शानदार लग रहा है, पहाड़ बर्फ से ढके हुए। वाह, सुबह सुबह अगर आप उठो और ऐसा व्यू दिखे तो पूरा दिन बन जाता है आपका। क्या ही शानदार लग रहा है ये पहाड़। ये किन्नर कैलाश पर्वत है जिसके ऊपर वो साइड में जो है शिवलिंग है, 79 फिट का पत्थर का शिवलिंग है जो कि बहुत बड़ा है। और सबसे यूनिक जो है शिवलिंग है, आप जो है गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, मैंने भी देखा, बहुत ही बड़ा शिवलिंग है, 79 फिट, बहुत ही सही लग रहा है पहाड़, क्या ही मस्त। और ट्रैक करके जाते हैं लोग वहाँ पे शिवलिंग के ऊपर जो है दूध चढ़ाते हैं, बाकी क्या ही मस्त व्यू है। सुबह का नज़ारा तो अपना, मतलब सुबह का अपना बन गया है, पूरा वाइब बन गई पूरी। तो निकलते हैं, जो है पैक वैक करना है सामान और ब्रेकफास्ट करके जो है निकलते हैं। आज हमें जाना है काजा, तो सामान पैक वुक करके ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं सीधा काजा। चलो, बाकी यार ये व्यू थोड़ी देर बैठ के ये व्यू देखूँगा। रहा अपना सुबह का नाश्ता, वहाँ पे देखो अपनी बाइक खड़ी है, लोड कर दिया है सामान, बस खाते हैं और निकलते हैं। बहुत भूख लगी है, पहाड़ अच्छा लग रहा है देखने में, तो खाते हैं और निकलते हैं जल्दी से। तो हो गया अपना ब्रेकफास्ट और करते हैं आज के दिन की शुरुआत। ट्रिप मीटर जो है उन्होंने ज़ीरो कर दिया, ट्रिप मीटर का पहले मैं ध्यान नहीं रख रहा था, तो अभी सोचा, मतलब ये भी छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि कितनी जो है अपनी गाड़ी चली है और कितना अपन चले हैं एक दिन में। तो ट्रिप मीटर ज़ीरो कर दिया है मैंने। हम निकल चुके हैं कल्पा की ओर, सॉरी काजा की ओर। कल्पा में हम हैं अभी, किन्नौर में है अभी, किन्नौर में मैं रुका हुआ था, कल्पा थोड़ा ऊपर है कल्पा सिर्फ। तो काफ़ी अच्छे नज़ारे है भाई, इस नज़ारे देखो, इतना बर्फ़ नहीं है बट है, अच्छा खासा बर्फ़ है। आगे देखते हैं बर्फ़ मिलता है या नहीं, बाकी तो बर्फ़ देखो, हाय हाय हाय, क्या ही मस्त। पेट्रोल जो है वो आधी टंकी है या फिर फुल करवा लेते हैं हम लोग, यहीं से नीचे पेट्रोल पंप मिलेगा, वहाँ से फुल करवा लेंगे।
हाँ जी सर, अच्छा अच्छा वो लाइट पे खड़ी थी। अच्छा सर, मैं पहली बार आया, मुझे पता नहीं था एक्चुअली। अब गाड़ियों को ओवरटेक करके जा रहे, सॉरी सॉरी, लाइट सामने लगी है, मुझे पता नहीं था एक्चुअली, पहली बार मैं आया हूँ। पहली बार आया तब नहीं देखनी होती लाइट। जी सर, लाइसेंस मेरे ही नाम पे, मेरे ही नाम पे सर। किसके नाम पर है? मेरे नाम पे सर। कैमरा ऑन है? कैमरा ऑन नहीं है। ऑन है? नहीं। चलान तो होगा, 2500 का चलान है, कैमरे लगे वहाँ पे। मुझे सही में पता नहीं था सर, मैं पहली बार आया हूँ। नहीं तो मैं, आपने कहा मैं रुक गया यहाँ पे, मैं सुनो पहले, 2500 का चलान है, ठीक है, लाइसेंस 3 महीने के लिए फूक जाएगा, सस्पेंशन के लिए मैं करूँगा, पर होगा। मुझे एक्चुअली में पता नहीं था सर, सही में, एक्चुअली में यहाँ के थोड़े अलग है तो मुझे सही में पता नहीं था। नहीं, अब देखो ना, गाड़ी को ओवरटेक करके जा रहे हैं। ओवरटेक एक्चुअली, हाँ मतलब मेरी गलती हो गई। हाँ हाँ, मेरी गलती हो गई होगी, सही बात है, मेरी गलती हो गई होगी, मैं मान रहा हूँ मेरी गलती हो गई। मिनिमम 500 ऑनलाइन पे करना है आपने, और 10-12 दिन के अंदर पे करना है, ठीक है। ये इस पे आ जाएगा चालान पे, लिंक आएगा आपको, मैसेज आएगा ना, टेक्स्ट मैसेज। हाँ जी, लिंक आएगा, इसको पे करने का वहीं से करना है, ठीक है, मैं कर दूंगा। कितने दिन में करना है ये? 10-12 दिन में। लो भाई, अपना चालान कट गया, मुझसे एक गलती हो गई, यहाँ के थोड़े रूल्स अलग है, और मैंने जो है गाड़ी को ओवरटेक नहीं करना था एक्चुअल में, और मैं ओवरटेक करके टर्न ले लिया मैंने, और सिग्नल भी जो है वो ग्रीन में था उनका, ये साइड वाला, तो उसके वजह से जो है चालान कट गया अपना। गलती मेरी थी, मुझे पता नहीं था एक्चुअल में कि यहाँ पे थोड़े रूल्स जो है वो अलग है, ओवरटेक नहीं करना ये वगैरह, तो ठीक है, मेरी गलती थी, मैंने मान ली, और उन्होंने बस चालान कर दिया। ऑनलाइन अभी भरने पड़ेंगे, 500 का चालान किया उन्होंने। और भाई साहब, कल्पा से निकलते निकलते 500 का नुकसान, चलो अब हो गया तो हो गया, अगली बार ध्यान रखेंगे, अगर कहीं से भी जो है जा रहे हम पता नहीं है अगर तो पूछ लेंगे, और तो क्या। चलो, चालान कट गया, कटना था कट गया, अगली बार ध्यान रखेंगे, और अब जो है नज़ारे के मज़े उठाओ। वाओ, ये सुबह क्या ही शानदार। नज़ारों के मज़े उठाओ और चलते जाओ। अब हम लोग बढ़ रहे हैं काजा की ओर, आज हम रुकेंगे काजा में, यहाँ से जो है 205 किलोमीटर है, लगेंगे हमें 5 घंटे जाने में, तो होए तो काजा के लिए जो है हमें जाना है ऐसे, कल्पा के लिए जो है सीधा आना होता है। अब हमें लेना है टर्न यहाँ से, ओए हो, नज़ारे तो देखो, क्या सही नज़ारे है। पानी देखो कितना फ्लो से बह रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लो है पानी का। बहुत ही ज़्यादा
इतने फ्लो से जो है पानी बह रहा है, देखो बाप रे। देखो ओहो, इतना बड़ा ब्रिज, शानदार। वाव, आगे देखो क्या ही बेहतरीन नजारा, पानी टपक रहा है ऊपर से, पीछे टपक रहा था, यहां तो नहीं टपक रहा है। मतलब कैसे जो रोड बनाई है वो कैसे बनाई है, मतलब ऊपर से जो है पहाड़ है पूरा और नीचे से जो है काट काट के रोडे बनाई है, क्या ही मस्त। यहाँ पे रोड पे जो है छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं तो उनके ऊपर से नहीं निकालना है। एक दो बार मेरी गाड़ी गई तो हिल गई पूरी, तो इसकी वजह से जो है पत्थर पे से नहीं निकालना है, वरना तो हम गए। इसलिए ये ध्यान में रखना है। बाकी व्यू देखो, व्यू के मज़े पूरे उठाने हैं। देखो नीचे से ऐसे रोड जा रहा है, लगता है ये जो है नदी पे ले जाता है। वाह, यहां से आगे लगेगा अभी पू, पानी देखो, गाड़िया गाड़ियाँ धो रहे हैं अपनी अपनी, हम हमारी बाइक नहीं धो सकते क्योंकि बैग भी बंधे हुए हैं, तो वरना जो है सब भीग जाएंगे और मैं भी भीग जाऊंगा। तो वर्कर्स यहाँ पे जो है काम कर रहे हैं, साफ साफ कर रहे हैं रोड पे जो भी पत्थर वगैरह गिरे हैं, साफ कर रहे हैं। लैंडस्लाइड होता रहता है यहाँ पे, ऊपर से पत्थर पत्थर गिरता है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी हवा इतनी तेज़ चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, अब जो छोटा रोड आ गया है। तो ऊपर देखो इनका जो है बेस कैंप कैसा बना रखा है, ऐसे गोल गोल फुटबॉल की तरह, क्या ही मस्त। एंट्री करवा लेते हैं यहाँ पे, एक और यहाँ पे एंट्री करानी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अब आगे जो है स्पीति के पहले या वहीं कहीं पे एक और लगेगा, वहाँ पे करवाना पड़ेगा। कहाँ से? कोलकाता। कोलकाता, कोलकाता से यहाँ महाराष्ट्र? हाँ, कहाँ जा रहे हो आगे? काजा सेम सोलो सोलो साथ में चलो, चलेगा। तो
अपने भाई, अपने एक और भाई है। चलेगा चलेगा, हाँ जी हाँ। तो दो भाई और मिले हैं, तो कोलकाता से है और इनसे पूछा मैंने, ये कोलकाता से आए हैं। मैंने कहा दोनों ही हो, मैंने इन्हें कहा हाँ, मैंने कहा मैं सोलो हूँ, साथ में चलते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो भाई साहब, वीडियो लेने के चक्कर में हम जो है गिर गए, बहुत गंदे वाले गिरे, बट कुछ नहीं हुआ, क्रैश गार्ड वगैरह सब थे तो कुछ हुआ नहीं। टर्न ले रहा था, भाई को मैंने कहा कि मेरा वीडियो ले लो, मैं आता हूँ वहाँ से। तो मैं टर्न लेके आया ऐसे, और आगे जाके जो है टर्न ले रहा था मैं, और न्यूट्रल में हो गई बाइक। ये वाला सीन हो गया, तो हम जो है गिर पड़े। कहते हैं व्यू, व्यू देखो वहां पे पूरा बर्फ से भरा हुआ पहाड़, क्या ही तगड़े व्यू आ रहे हैं। और बस ऊपर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, बहुत ही हाइट पे आ चुके हैं। ये देखो क्या क्या बेहतरीन नजारा है भाई साहब, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ओह वहाँ से ऐसा रास्ता है, वहाँ से जाना है और ऊपर ही जाना है बस। और ये झरना देखो, पानी का झरना, ये देखो पानी, पानी देखो भाई साहब, पानी, वाटर क्रॉसिंग छोटी सी। लद्दाख से कम नहीं है स्पीति, वाह। यहाँ पे थोड़ा ऑफ रोड है, ऑफ रोडिंग करके
वाट लग जाती है भाई साहब। रास्ते देखो, रास्ते देखो, रास्ते क्या ही पतले पतले रास्ते हैं, और नीचे खाई। लैंड ऑफ लामा, डू नॉट बी गामा। वाह क्या लिखा है जिसने भी लिखा है। ओ भाई बहुत सही, वाह स्लो करते हैं। यहाँ पे खड़ी की हमने बाइक। सर खाना खाने का टाइम हो गया है, भूख भी लगी है, और 90 किलोमीटर और बाकी है। यहाँ पे है हमारे खाना। ये भाई लोग जो है कलकत्ता से आए हैं। हेलो हेलो, इनका नाम सुनीत और इनका नाम शोइक। इनका थोड़ा सईकत, इनका थोड़ा डिफिकल्ट है, इनका सही है नाम। तो खाते हैं खाना, ब्रेक लेके निकलते हैं अच्छे से, और पहुँच जाएंगे शाम तक काजा। बारिश स्टार्ट हो गई है, खाना खा के हम जस्ट निकले ही थे कि बारिश ने हल्ला बोल दिया। इतनी ज़ोर से नहीं है बट है, पर हमने जो है सेफ्टी हमारी कर ली है, रेनकोट्स वगैरह पहन लिया। वो दो भाई लोग थे उन्होंने भी पहन लिया है रेनकोट्स वगैरह। मैंने तो मुझे तो सिर्फ पैंट और ये पहनना था, बाकी मैंने तो रेनकोट्स पीछे लगाए थे डस्ट के लिए। तो अब खाना खा के मस्त खाना खा लिया है, निकले हैं। तो अभी जो है सीधा रुकेंगे काजा में, मतलब बीच में एक ब्रेक लेंगे। बेहतरीन बेहतरीन नज़ारे, बेहतरीन नज़ारे भाई साहब। ये देखो मंदिर देखो, अलग ही है। यहाँ पे बोर्ड तो दिख भी नहीं रहा है। बाय बच्चे, ओके यहाँ पे बंद है। नीचे से जाना है, नीचे से, नीचे से, नीचे से। यहाँ पे जो है रोड बंद है, नीचे से जाना पड़ेगा। नीचे नीचे से जाना पड़ेगा ऐसे। भाई साहब रोड देखो कितनी पतली, रोड पे से जा रहे हैं हम लोग। मंदिर देखो ऊपर ऊपर बना हुआ है, वाव ये नज़ारा। अरे भैया हेलो लेना, मुझे गिरा दोगे। हवा हवा तेज़ी से चल रही है भाई, बहुत तेज़ हवा चल रही है। दोनों जो है गू वाले रास्ते पे चले गए हैं, हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें जाना है सीधा सीधा, हम काजा में ही रुकेंगे। अंधेरा होने से पहले पहुँच जाएंगे। व्यू देखो, हाय हाय हाय, देखो रोड बहुत छुट्टी है।
बहुत छोटी रोड है। कितने बड़े बड़े पहाड़, पहाड़ के ऊपर बर्फ, यहाँ से तो क्या ही नज़ारा है। ये है टाबो ब्रिज, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत पानी बह रहा है आजू बाजू। खतरनाक खतरनाक रोड है, गाड़ी का धुआं देखो, निसान निकरा का पूरा धुआं निकल गया ये चढ़ाई में। ओ भाई, ये पत्थर देखो, ओ धूल 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 यार, एक कार के पीछे आके बहुत गलती कर दी, अब जो धूल ही धूल उड़ेगी बस। बहुत पत्थर गिर रहे हैं, ये देखो धूल ही धूल गिर रही है, ये साइड पत्थर गिर रहा है ऊपर से। भाई साहब, इतना इतना गंदा रास्ता था, इतनी धूल थी कि पूरी गाड़ी पे धूल, बैग पे, अच्छा हुआ मैंने रेन कवर लगा के रखे थे तो वो उन्हें कुछ नहीं हुआ, साफ थे अंदर से, बाकी बाहर से रेन कवर लगा, रेन कवर तक जो है पूरे वाइट हो गए थे, और बाइक तो जैसे एक महीने से धोई नहीं हो ऐसी हो गई। तो थोड़ा रुका, चाय पिया और बाइक वगैरह साफ़ किया, कैमरे में, कैमरे के आगे पूरी जो धूल धूल हो गई थी वो साफ़ की, फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो गया था, फ़ोन को चार्जिंग पर लगाया अच्छे से और फिर निकल गए। 26 किलोमीटर्स है तो जल्दी से कवर कर लेते हैं। टाइम हो रहा है अभी 5 बज गए तो जल्दी से पहुँचते हैं। यार सभी सोचा रेन कोट उतार दूँ, बट फिर सोचा कि काजा चल के ही उतारेंगे, अब तो आ गया काजा, पता नहीं बीच में फिर से धूल धूल मिल जाए। हमें जाना है यहाँ पे, सॉरी फिर हो गया था। ये देखो क्या ही नज़ारा निकल के आ रहा है, क्या ही सुंदरता निकल के आ रही है जब सन की रोशनी जो है माउंटेन पे पड़ रही है। वाह, क्या ही मस्त लग रहा है पहाड़। वो रहा ऊपर काजा, फाइनली हम लोग काजा पहुंच गए। इतने धूल में नहाने के बाद वी आर इन काजा। और अभी जस्ट मैं खाना खा के आया हूँ, 10 बजे अभी मैं यहाँ पे 7:30 समथिंग मैं यहाँ पे पहुँचा, मैंने रूम बुक किया। ये देखो काफ़ी अच्छा रूम है, और जब मैं खाना खाने गया तो वहाँ पे एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि नीचे बिठा के प्रॉपर, अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं तो मैं वहाँ पे जो स्टोरी डाल दूँगा देखना, तो वहाँ पे जो प्रॉपर ट्रेडिशनली जो बिठा के खाना खिलाता है
तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, जो है बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, बहुत स्वीट है यहाँ के लोग, हेल्प भी करते हैं, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं पहली बार आया और पहली बार मैंने मतलब ये सब देखा ऐसा लाइफ और एक्सपीरियंस किया, तो काफ़ी अच्छा लगा। बाकी रूम भी मुझे अच्छा लगा बहुत। तो ये व्लॉग को मैं यही एंड कर देता हूँ। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू गाइज डिड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। कल हम जाएंगे स्पीति वैली, स्पीति वैली से हम रुकेंगे मनाली में। तो यस, मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।